ओम शांति जरूर लिखें। एक ऐसी दुखद और हैरान करने वाली खबर आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। जिस युवक की आप तस्वीर इस समय अपनी मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस युवक की उम्र लगभग 19 साल के करीब है और जिसका नाम आदित्य सिंह है। लेकिन आदित्य सिंह जी की मां का आज रो रोकर बुरा हाल है, क्योंकि आज आदित्य सिंह जो है वो इस दुनिया में नहीं रहा है। और ऐसे में ये एक ऐसी मां से आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं जिस मां को जो है वो इस बेटे की अंतिम क्षणों में जो है वो अपने बच्चे से जो है वो नहीं मिलने दिया गया, जिसके बाद आज समझ सकते हैं कि परिवार में किस तरह का मातम का माहौल छाया हुआ है और मां का रो रोकर बुरा हाल है। लेकिन इंसाफ दिलाने की जनाब जिम्मेदारी जो है वो अब आपके हाथ में है, क्योंकि हमने तो अपना काम कर दिया है, हम इस मां के पास पहुंच गए हैं, लेकिन अब इंसाफ किस तरह से दिलाना है। आखिरकार ऐसा क्या वजह रही कि इस मां को जो है वो इसी के बच्चे के अंतिम क्षणों में जो है वो इसे वहां पर जो है वो अपने बच्चे से नहीं मिलने दिया गया, और इस अपने बच्चे की जो है वो लास्ट यानी कि अंतिम क्षणी में अपने बच्चे की शक्ल तक नहीं देख पाई। आखिरकार क्या कसूर था इस मां का? फिलहाल ये अपने ही पति पर जो है वो गंभीर आरोप लगा रहे हैं, और इनके पति अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर वो अपनी बात रखना चाहते हैं तो वो जरूर हमसे कॉन्टेक्ट करें, हम उनकी बात को भी जनता के सामने लाएंगे। क्या हुआ, क्यों रो रहे हैं? हुआ था आपके बच्चे को? सर किश नहीं पता, कोई खबर नहीं दी मेरे बच्चे की होया के नहीं होया। सर मैं कल शामी 7 बजे पता चलिया कि उस दुनिया विच नहीं है। सर मेरा कसूर क्या? मेरे बच्चे की लास्ट समय भी मैं दिक्कत नहीं दिता, मैं तड़फाई तड़फाई है। मैं 5 साल हुई है सर मैं पड़क दे कोर्ट कचहरी च, मेरी कोई सुनवाई नहीं, ना मेरे बच्चे मी मिलन दिंदे, ना कि मैं बार बार जंदी, मैं धक्के मारिया कड्डी उड़दे, उसी अंदर डक्की उड़दे। सर कल मी पता चलिया इस दुनिया विच नहीं है। सर मी उन्हें ना कॉन्ट्रैक्ट किया कि तेरा बच्चा नहीं रहा। सर मी नहीं पता कुन्ने मारिया के किता बीमार आ के आ। सर मेरा देर ना प्रॉपर्टी के चक्कर च पहले भी बड़ा तंग किया, उन्हें मारिया होना सी। सर मेरी कितनी उम्र ही थोड़े बच्चे दी? सर 19 साल। थोड़े पति और के काम करते? सर वो पहले आर्मी बिच आ, हुन इंटरनेशनल कोच है, ओदा अपने स्टूडेंट किन्ना चक्कर है, उस कुड़ी दा नाम मुस्कान है। सर कोर्ट विच भी केस चला लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं। सर वो पैसे वाला हर केस दवाई लेंदा। मैं जबलपुर भी पुलिस स्टेशन कंप्लेन कीती, बड़ी ब्राह्मणा भी कीती सर, 2019 विच भी कंप्लेन कीती, 20 विच भी कीती, मेरी कोई सुनवाई नहीं होंदी। सर मैं कल्ली हां, मैं कल्ली दौड़ी 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 थकी, अज मेरा बच्चा उसी भी इन्हें मारी मुरी फूकी उड़िया। मैं कोई इन्ने बच्चे थोड़े? सर मेरे 2 बच्चे, बेटी मेरे कन्ने रोंदी है और बेटा उन्दे किन्ना रोंदा। सर ना दे मेरी बेटी दा खर्चा दिंदे दुनिया च ये फैलांदे, ना ए बच्ची पढ़ांदी है। सर मैं कुत्थे पढ़ां दा? सुन 10,000 रुपया मी कोड़े च लगे, ओ भी मैं अगर वकीले कोल केस करवां किश करवां ता दिंदा, कदे दिंदा कदे नहीं दिंदा। सर किन्ने चिर पहला थोड़ा ब्याह होया? सर मेरा 2004 विच ब्याह होया। 2004 विच केड़ी जगह होया? सर बड़ी ब्राह्मणा सरोवर नहर उपर। फिर की वजह हुई कि आज जेड़ा मतलब पूरा परिवार बिखरी दा, बच्चा भी नहीं रिया? सर के होया कि अस कट्टे रोंदे हैं, पहले आर्मी बिच हा ते उते मुड़े करांदा कोचिंग ते कोई कुछ नहीं। ये 2016 च जबलपुर आया प्राइवेट जॉब कर लगा, कॉन्ट्रैक्ट जॉब, उते एक कुड़ी है ओहदे किन्ने दा फेर होई आ, ओहदी वजह किन्ने साडा घर बर्बाद होया। सर मेरा बेटा भी मेरे कन्ने रोंदा हा, अस ना पहले नासिक रोंदे ठीक ठाक हा, उत्थू जबलपुर आए, जबलपुर इन्हें मिगी मार कुट करना उस कुड़ी दे चक्करे च। सर मतलब मिगी मारिया कुट्टिया उत्थू कड्डी उड़िया, फिर मिगी इत्थे सुट्टी उड़िया, फिर ओके मेरे पर कोर्ट केस लाई उड़िया। सर मैं कोर्ट सोचे कोर्ट च कोई फैसला होगा, मैं 5 साल होई आ भटकदे, कोई फैसला नहीं, कोई कुछ नहीं। जे मैं पुलिस स्टेशन कोई कंप्लेन करनी है उत्थे पैसे देइए दवाई उड़दा सर। सर कोई भी कारवाई नहीं हो रही। सर मेरे बेटे भी अज ओदा सारा उसी भी इन्हें खत्म करिए फूकी फाकी उड़ा। सर काफी दुखद है, और जिस तरह से इनके द्वारा ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि इनको जो है वो अपने ही बच्चे के अंतिम क्षणों में जो है वो इन्हें वहां पर अपने बच्चे से नहीं मिलने दिया गया, और जिसके बाद आज इनका रो रोकर बुरा हाल है। लेकिन जो भी जिम्मेदार लोग हैं
उनसे हम ये कहेंगे कि मामले की पूरी निष्पक्ष तहकीकात होनी चाहिए और सच्चाई क्या है वो जनता के सामने लानी चाहिए ताकि इस तरह के मामले जो है वो सामने ना आए। लेकिन 19 वर्षीय आदित्य सिंह जी की आत्मा की शांति के लिए जरूर दुआ करें। कुछ और भी लोग हैं यहाँ पर, इनसे बात करेंगे, कजन ब्रदर भी हैं इनके यहाँ पर। भाई साहब क्या नाम है आपका? जी सर मेरा नाम है विक्की। विक्की जी क्या ये पूरा मामला है थोड़ा बताएंगे? सर मामला ये है कि सानू कल शामी पता चलिया कि मेरी ये कजन सिस्टर है इनके बच्चा इस दुनिया च नहीं रहा, तो जो सानू बहुत ज्यादा अफसोस है क्योंकि सर उन्हें मतलब परसों का सुनिया कि डेथ हुई थी ते कल ओदा संस्कार भी करी उड़िया परमंडल ते सानू कल पता चलिया। ते मेरा सर ये सवाल है कि ये पूरी मतलब आवाम कला कि भला ऐसी केड़ी सरकार या केड़ा कानून है कि जेड़ा एक बच्चे दी ओदी मां कन्ने नहीं मिलन देवे या एक छोटी एदी भैन ही कि उसी मतलब मिलन नहीं देवे। उनका फर्ज बनता हा जां उंदे जेड़े आसे पासे जेड़े भी लोग रोंदे हे वह एक फोन करिए सुनाई सकते हैं कि भाई ऐसी ऐसी गल हुई कि आखिर आखिरी टाइम ये माँ अपने बच्चे दिखी लैंदी, ये छोटी बच्ची अपने भरा ही दिखी लैंदी। पर उन्हें ऐसा कुछ नहीं किया, ना ही उन्हें सानू किसी ने भी इनफॉर्म किया। इस गल का बड़ा ज्यादा दुख है क्योंकि कोई भी दुनिया का कानून नहीं है ऐसा कि जड़ा मतलब बच्चे की मां कन्ने नहीं मिलने देवे। और कल का इस माँ का रोई रोई बुरा हाल है, इस बच्ची का भी कल रात भी मतलब इन्हें तक रुट्टी भी नहीं खाधी थी बच्ची ने, इन्ना इसी मतलब वो है। और ये सुनाते हैं कि अस जदों भी उत्थे जन्ने सानू मिलन नहीं दिंदे हे, तो इंदा पहले का कोई डिवोर्स केस चले करदा तो उस वजह कन्ने मतलब इंदे विच ये प्रॉब्लम क्रिएट होई है। पर साडा मतलब डाइवोर्स केस जो अपनी जगह जो चला दा कोर्ट उस चीज की पूरी पड़ताल करा दा, लेकिन ये तो एक केड़ा मतलब एक मां जी 9 महीने अपने बच्चे की अपनी कोख विच रख दी है, बाद विच जिल्ला बच्चे का जन्म हुंदा आपे गिल्ले गिल्ला सौना ते बच्चे की जिहड़ा सुख है सवालना, लेकिन बाद विच एक मां की जिहड़ा अपने बच्चे कन्ने नहीं अंतिम क्षण विच मिलना। सर अस उये चाहने कि तमाम जेड़े और भी मीडिया कर्मी ने वो अगर उन्दी साइड दा रिपोर्ट करदे ने उन्हें ये सवाल जरूर किया जाए कि मनी लिया तुहाड़े बेटा या इस मतलब साड़ी भैन बिच मतलब जो भी प्रॉब्लम चलाई है कोई वजह होगी, पर क्या इन्ना केड़ा जुल्म होई है कि जेड़ा मैं तुसें एक सुनाई नहीं सके कि एक फोन करिए कि भाई आनिए दिखी लाओ। ये सवाल उंदे कन्नै जरूर किया जाए और इस मां दी इंसाफ होना चाहिए। मैं पूरे जम्मू दे लोकें कोला इहे रिक्वेस्ट करना कि इस बच्ची इस मां दे लई जरूर सवाल करियो कि भाई इस मां दी क्यों नहीं मिलने दिता और उस बंदे दी केह सजा होनी चाहिए कि जेड़ा मतलब इन्ना जालिम लोग ने जिन्हें एक बच्चे आखिरी क्षण विच भी मतलब मां दा चेहरा तक नहीं नसीब हो सकया, मतलब मां दी बच्चे का चेहरा नहीं नसीब हो सकया, उसी कियां भुल गए पूरी जिंदगी मतलब अपने बच्चे या बच्ची दे लई अफसोस नहीं रहेगा कि भला मैं अपने भरा दी नहीं दिखी सकी। तो इहदे लई सारे मीडिया कर्मी जरूर साडी हैल्प करन, इस साडी सिस्टर दी इंसाफ दिलान और जो भी इंदा मसला उहदे लई सारे अगे रिक्वेस्ट है कि भाई साड़ी हेल्प करना। जितने भी लोग इस समय हमारे इस लाइव को देख रहे हैं सभी के आगे मेरी हाथ जोड़ के अपील है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस बहन की मदद हो सके और इसके साथ इंसाफ हो सके। पति पत्नी का तो इन दोनों का आपस में झगड़ा चल रहा है कोर्ट में, लेकिन आज इनके 2 बच्चे थे इसमें एक बेटी और एक बेटा, लेकिन आज बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि 19 साल का बेटा आज इस दुनिया में इनका नहीं रहा है। और दुख की बात और हैरानगी की बात तो ये है कि बेटे की जब जान चले जाती है ना जाने उसके साथ क्या हुआ है, वो तो जान से जुड़ा पार्ट है या वो इसके पिताजी अच्छे से जानते होंगे, लेकिन जिस तरह से इनके द्वारा गंभीर आरोप अपने पति पर लगाए जा रहे हैं कि इनका घर जो है वो बर्बाद हो गया है और उसे बचाने के लिए ये कानून से भी मदद मांग रहे हैं और कानून अपना काम कर रहा है वो देखने वाली बात है। लेकिन आप सभी लोगों से कहेंगे कि वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि इस बहन के साथ इंसाफ हो सके। आज देख सकते हैं कि इस बहन का किस तरह से रो रोकर बुरा हाल है और ना जाने इस जम्मू में क्या हो रहा है, ये जम्मू जो है वो किस दिशा की ओर जा रहा है। 2004 में इनकी एक लड़के से जो है वो शादी हुई थी जो कि सरोर से ताल्लुक रखता था और वो आर्मी में था, उसके बाद उसने आर्मी की जॉब छोड़ी है, क्या हुआ क्या नहीं, अब वो किसी जगह प्राइवेट जॉब कर रहा है इनका पति। लेकिन अगर वो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर वो अपनी बात रखना चाहते हैं तो वो जरूर हमसे कॉन्टेक्ट करें, हम कोशिश करेंगे कि उनकी बात को भी जनता के सामने रखा जाए और सच्चाई क्या है वो जनता के सामने आ सके। क्योंकि जब जब इस तरह के मामले समाज में सामने आते हैं तो काफी ज्यादा दुखद रहता है और ये हैरानगी रहती है कि आखिरकार हमारा ये समाज जो है वो किस दिशा की ओर जा रहा है और खासकर हमारा जम्मू में अब ये क्या हो रहा है। माता जी ये क्या लग रही है थोड़ी, मेरी पति लग रही है ना बेटी ने,
ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਦੀ ਇਹਦੇ ਇਹ ਦੇ ਹਾਲਤ ਹੈ ਮਤਲਬ ਰੋ ਦੀ ਇਹਦੀ ਹੋਈ ਇਹਦੀ ਹੈ ਇਹ ਤੇ 5 ਸਾਲ ਹੋਇਆ ਬੇਟੀ ਨੇ ਸਾਡੀ ਨਾਲ ਆਏ ਦੇ ਇੱਥੇ ਅੱਛਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨੇ ਜਾਣਾ ਮਾਰੀ ਕੁੱਟੀਆਂ ਕੱਢੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਬਾਹਰ ਜਿਲ੍ਹਾ ਜਾਂਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹਲਾ ਮਾਰਦੇ ਕੁੱਟਦੇ ਭੇਜੀ ਉੱਠਦੇ ਨਾ ਕੁੜੀ ਰੱਖੜੀ ਪਾਉਣ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਉਸ ਟਿੱਕਾ ਰੱਖੜੀ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ ਇਹਨੇ ਮਾਵੇਂ ਧੀਆਂ ਅੰਦਰ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਾਰੀ ਇਹਦੀ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਦੋਵੇਂ ਮਾਂ ਪੁੱਤਰ ਰਲੇ ਦੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਦਾ ਅੱਜ ਚਾਲੂ ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਿਆ ਭਾਈ ਸਿਸਟਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੋਚੇ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੋਚੇ ਦਾ ਹੈ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚੇ ਦਾ ਸਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੋਚੇ ਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੇਟੇ ਇੰਨੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੇ ਮਾਰੀ ਮਾਰੀ ਉਸੇ ਮਾਰੀ ਹੋਣਾ ਸਰ ਨਾ ਰੁੱਟੀ ਦਿੰਦੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਨਾ ਪਾਣੀ ਕੱਟਾ ਵੀ ਸੁੱਟਦੇ ਆਪਣੇ ਕੰਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਰ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਕੰਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਸਰ ਉਹ ਹੈਂਡੀਕੈਪ ਚੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਰ ਉਹ ਚੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਪਹਿਲੇ ਚੱਲਦਾ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਉਸੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ ਚੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਸਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੱਡੀ ਹਾਈਟ ਹੀ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਉਸੇ ਚੁੱਕੀਆਂ ਲਿਆਂਦੀ ਉਸੇ ਲਿਆਂ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਪਹਿਲੇ ਸਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਅਸ ਕੰਨੇ ਰੱਖਦਾ ਤੇ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਔਰ ਚੱਕਰੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰੇ 'ਚ ਪਈ ਆ ਉਹਨੇ ਨਾ ਦੇਖਣਾ ਉਸੀ ਨਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਦਾਦੀ ਦਾਦੇ ਕੋਲ ਬੁੱਢੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਛੱਡੇ ਦਾ ਚਾਚਾ ਚਾਚੀ ਹੈ ਉਹ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਚਾਚਾ ਚਾਚੀ ਕੋਆ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕੀ ਸਰ ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਮਿਗੀ ਮਾਰੀ ਕੁੱਟੀਆਂ ਕੱਢੀ ਹੁਣ ਤੇ ਕਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਾਤੀ 12 ਵਜੇ ਮਾਰ ਤੁਸ ਕਾਨੂੰਨ ਉੱਪਰ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ ਇਹ ਜਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾ ਦਿਆ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਕੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਉਹਨ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਕੀ ਪਜਾਗ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜਿੰਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇਸ ਭੈਣ ਕਿਹੜਾ ਇਨਸਾਫ ਦਿਲਾਣਾ ਤੋ ਵੀਡੀਓ ਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਦੂਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਭੈਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਰੋਂਦੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ ਲੋੜਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਇਹਦੀ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਉੜੀ ਹੈ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਵੀ ਫਰਿਆਦ ਕੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕੰਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਫ ਕਰਨਾ ਫਿਲਹਾਲ ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦੇ ਕੰਨੇ ਮਿੱਕੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਖਦੇ ਰਹੋ ਜੰਮੂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਜੈ ਹਿੰਦ ਜੈ ਭਾਰਤ